हेलो गाइस, वेलकम बैक टू उत्तराखंड फैमिली ब्लॉग। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 12:30 बजे से। तो आज हम जा रहे हैं जम्मू सिटी, क्योंकि हमें गांव से आए हुए यहाँ 3 दिन हो चुके हैं। तो कल हमारा रिजर्वेशन था, क्योंकि वो कंफर्म नहीं हो पाया था। 1.5 महीने से हमने टिकट की हुई थी, लेकिन फिर भी वो कन्फर्म नहीं हो पाए। फिर भी हमें 1 दिन हल्द्वानी में रहना पड़ा। तो आज जा रहे हैं हम जम्मू। तो आज यहाँ से जाते वक्त भी बुरा लग रहा है, क्योंकि हमें बहुत दिन हो गए हैं। तो गांव से जाते हुए हमें काफ़ी बुरा लग रहा है। फिर हम हल्द्वानी में रह गए, तो क्या करें, जाना तो पड़ेगा। बच्चों के स्कूल भी अब 2-4 दिन में खुलने वाले हैं, तो चलते हैं। अभी तन्नू और नमन स्कूल से आए हुए नहीं है, तो तन्नू का टाइम तो हो गया लगभग आने का। तो उसकी मम्मी गई है तन्नू को लेने के लिए, तो तन्नू से मिलेंगे। और देवर जी और नमन से मिलना नहीं हो पाएगा, तो हम जा रहे हैं आज जम्मू। तो अभी आपको यहाँ का व्यू दिखाएंगे और कौन सी हमारी गाड़ी है वो दिखाएंगे। तो हमने रिजर्वेशन किया है स्लीपर वाली गाड़ी का, तो वो भी दिखाएंगे कैसी है, वो भी दिखाएंगे अंदर से गाड़ी का। और फिर मिलते हैं आपको फिर हम जम्मू शहर में। आ गया है और उसने अपनी यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं की है, तो दोनों भाइयों की मस्ती चालू हो रही है, क्योंकि अभी जाने वाले हैं। तो दोनों भाई खेल रहे हैं और दीदी अपना मूड हो रही है। अभी जाते वक्त चले गई अंदर को, तो ये दोनों की मस्ती चल रही है। यहाँ पे घर से निकल चुके हैं, तो ये रहा यहाँ का मौसम। बाय बाय हल्द्वानी। तो अब आज हम हल्द्वानी को बाय बाय करने वाले हैं। आनंद लेते जा रहे हैं, तो प्रकृति भी हमें सुकून मिला देखे, और हल्की हल्की बारिश की छींटे भी पड़ रही है। जो एरिया है हल्द्वानी के बीच में पड़ता है, और ये सामने रुद्रपुर से आगे की ओर ये खेती हो रही है धान की। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर खेती हो रही है, रुपाई हो चुकी है, और बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे आते ही। और अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली। काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे। यहाँ से भी हम रात का आनंद ले गए, और काफ़ी सुंदर दृश्य है। आप देख सकते हैं जो लाइटिंग चार चांद लग रही है रास्ते में, और कौन सा दृश्य हमको मालूम नहीं है, हमने बनाई इसकी वीडियो। काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ पे, और सभी लोग मस्ती करे हुए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं एक साइड गाड़ी आ रही, एक साइड जा रही। यार अभी तो नीचे से करा है ऊपर जी। और रास्ते में हमें मेला दिखा, जो ये लाल किले की बगल में ही पड़ा है, तो कितनी अच्छी लाइटिंग हो रही है। मेले में पहुंच गए हम, जाने का हो रहा है, लेकिन देखा हमने नज़ारा, हम इसे इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों का मन गया मेले की ओर, मजा आ रहा है। मेला लगा है, लाइटिंग भी काफी सुंदर है, लाइटिंग देख के हम भी खुश हो गए। क्रिसमस लोग ऐसा भी मिल गया देखने के लिए, इसलिए तो हमारी ड्रेस भी स्लो हो चुकी है। तो हम अब पहुँचने वाले हैं दिल्ली। तो ये आप देख चुके हैं रेड फोर्ट है, ये रेड फोर्ट। और ये भी हम बस से इसकी वीडियो बना रहे हैं। तो बस हमारा जो स्टॉप है यहीं तक का है दिल्ली का, उसके बाद
हमने अगली दूसरी बस में बैठेंगे जो हमारी जम्मू के लिए है, लेकिन मैं वाली वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक है और बच्चे भी हैं अपने पास। तो मैं सीधा आपको दिखाऊँगी जम्मू और आप तब तक रेड फोर्ट का आनंद लीजिए। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर है रेड फोर्ट फॉल और ये बसें जा रही हैं। तो अब गाड़ी काफ़ी स्लो स्लो हो चुकी है। मैं हल्द्वानी से जम्मू पहुंचने में हमको लगभग बहुत टाइम लग गया। टाइम तो हमारी जो बस थी रात के 9 बजे की थी, 9 से सुबह के 8 बजे हमने छोड़ दिया उसने हमको और फिर जाके हम जम्मू पहुंचे। लेकिन जम्मू की वीडियो नहीं बना पाई थी, स्टॉप वाली थी क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था और मैं वीडियो बना भी नहीं पाया। घर आते ही मैंने फ़ोन अपना चार्ज लगाया और इसके बाद से आप कहीं हमने मैंने चाय बनाया अदरक वाली क्योंकि मेरे को बहुत जोर से जुकाम लगा हुआ है मेरे को और मेरी बेटी को, क्योंकि जो बस में जो एसी था फुल था, सीधा हमारे सर के ऊपर से ही था तो इसलिए बहुत जोर से जुकाम लग गया। आप देख सकते हो मेरी आवाज़ में भी कोई डिफरेंट होगा। फिर चाय वाय पी के नाश्ता वास्ता बना के फिर मैं सो गई थी। फिर दिन में उठे, बाद में दिन में क्या शाम ही हो गई थी, 5 बज चुके थे तो उठे तो बच्चों को भूख लगने लगी। मैंने दिन में कुछ खाना पीना तो बनाया नहीं था। फिर इन लोगों के लिए मैंने चाय और मैगी बनाई, उनको सबको नाश्ता कराया। उसके बाद से अब मेरे को थोड़ा सा फुर्सत मिली कि थोड़ा सा बैठो आप लोगों से कुछ बातें करो। बातें यही थी कि आपको बताना था कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना पाई, किस लिए नहीं बना पाई, क्योंकि मेरा फ़ोन ही डिस्चार्ज हो गया था तो मैं वीडियो कैसे बनाती। तो अब मैं वाली अपना ये वाली वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग मतलब तक लेता था। बाय बाय।